अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। करण जौहर की पार्टी में फिल्मी सितारों की धमाल और रितिक की नई गर्लफ्रेंड। जी हाँ, इस हफ्ते मशहूर फिल्म साज करण जौहर की 50वीं सालगिरह की पार्टी के चर्चे जोरों पर हैं। इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड के ज़्यादातर बड़े सितारे शरीक हुए। यशराज स्टूडियो में होने वाली इस आलीशान पार्टी में जहाँ मेहमान एक से बढ़कर एक लिबास पहनकर पहुँचे, वहीं पार्टी पर किसी बड़े बजट वाली फिल्म के सेट से कम नहीं थी। बड़े बड़े सुरख पर्दों, शानदार जुमरों और पेश कीमत फूलों से सजाई गई इस पार्टी में एक बड़ा डांस फ्लोर भी बनाया गया था। अब इस जगमगाती पार्टी में बर्थडे बॉय करण जौहर ने मजीद रंग बखेरते हुए हरे रंग के इंतहाई बड़कीली जैकेट पहनी हुई थी। करण के इस खास दिन को मजीद खास बनाने के लिए इनके करीबी और दूर के दोस्त मौजूद थे और सब ने जमकर धमाल डाली। जाहिर है इनमें शाहरुख खान और फराह खान और रानी मुखर्जी सबसे आगे थे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ साथ सलमान खान भी पूरी रात पार्टी में जश्न मनाते रहे। इनके साथ प्रीति जेंटा, करीना कपूर, मधुरी, सैफ, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा और इनकी बहन अमृता अरोड़ा भी शामिल थी। इस पार्टी की तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पार्टी की कुछ तस्वीर मलाइका और इनकी बहन अमृता अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट भी की है। सोशल मीडिया के आधे ट्रोल्स भी एक्टिव हो गए और मलाइका और अमृता अरोड़ा को निशाना बनाते हुए इन्हें उम्र रसीदा कहा गया। जवाब में अमृता ने भी ट्रोल को आड़े हाथों ले लिया। इस पार्टी में स्टार किड्स भी खूब मस्ती कर रहे थे, जिसमें आर्यन खान हाल ही में अदालत से क्लीन चिट मिली है। सुहाना खान और शनाया कपूर भी शामिल थी। पार्टी में नई नवेली दुल्हन कतरीना कैफ के साथ इनके शौहर विकी कुशाल भी पार्टी में मौजूद थे। फराह खान ने भी शाहरुख खान के साथ खूब डांस किया। सुबह 6 बजे तक चलने वाली इस शानदार पार्टी में बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन भी एक खास मेहमान के साथ शरीक हुए, जहां वो अपनी एक दोस्त सबा आजाद को अपने हमराह इस पार्टी में लाए और सबसे इनका तारुफ अपनी गर्लफ्रेंड कहकर करवाया और सबकी तवज्जो हासिल की। इस हवाले से ऋतिक काफ़ी दिनों से मीडिया के साथ आंख मचोली कर रहे थे और अपने दोस्त सबा आजाद के बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन करण जौहर की पार्टी में हाथों में हाथ डालकर एंट्री लेते हुए इन्होंने अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल करते हुए आखिरकार सबा को अपनी गर्लफ्रेंड करार दे दिया। कहा जा रहा है कि इस पार्टी में दोनों पूरे वक्त एक दूसरे का हाथ थामे रहे। सबा आजाद और ऋतिक काफ़ी अरसे से एक साथ नजर आ रहे थे और मीडिया में इनके बारे में तरह तरह की क्या सराइयाँ भी जारी थीं। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।